सजने रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है एंड ऑफ कबर में जाना है आदिल रानी झूठ मत बोल के साढ़े तीन करोड़ के जो साढ़े बाउंस हो गए जी, इसने मेरी इजाजत के बगैर शादी करी मुझे डाइवोर्स दिए बगैर शादी करी इंडियन पैनल पैनल खोट से बताया था रमजान में कौन गुनाह करता है बताओ मैं तो मुसलमान नहीं थी ये तो था ना सो so, राखी सावंत जुड़ गई है हमारे साथ डायरेक्ट दुबई से और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं राखी सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप मैं फैंटास्टिक सारी कैसे इंडिया में हो रही है बट यहाँ पे मैं ठीक कर रही हूँ रोजे कर रही हूँ खाना खा रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ अपनी जिंदगी जी रही हूँ दुबई के खूबसूरत खूबसूरत जगह पर जाके मैं क्या कहते हैं वीडियोस बना रही हूँ बस मजा आ रहा है और यहाँ का अच्छा अच्छा खाना खा रही हूँ दुबई का ये बड़ी अच्छी चीज है बहुत बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हूँ अमेजिंग हम्म लेकिन आप दुबई में हैं इंडिया में नहीं है लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे लोग काफी मिस कर रहे हैं मैं उनसे माफी चाहती हूँ बहुत जल्द मैंने इतना बीस बाईस साल दिए हैं मीडिया को सबको थोड़ा सा ब्रेक लेना मेरा बनता है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जी अगर ये ब्रेक नहीं लेती तो शायद वो मेरा डिप्रेशन और वो लोगों ने मेरी जिंदगी को नरक बनाना चाहा लोगों ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहा मुझे मार डालना चाहा षडयंत्र बनाना चाहा कि मैं सुसाइड कर लूं ऐसे ऐसे पैंतरे खेले हैं तो खुदा ने खुदा आपके साथ है जब आप नहीं कंसा रहते हैं ना तो जब खुदा को पता होता है कि इस, इस मेरी बेटी के साथ बुरा होने वाला है वो आपको ऐसे उठा के एक जगह पे रख देता है तो जी मेरे जी खुदा ने मुझे मुंबई से हटा के दुबई में थोड़ा टाइम के लिए रख दिया हम्म <laughs> हम्म आपके एनिमीज भी काफी आपको याद कर रहे हैं अलग अलग तरह के ब्लेम लगा रहे हैं एनिमीज मेरे बहुत है <laughs> बहुत है मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते वो मेरे नाम से उठते हैं मेरे नाम का खाते हैं मेरे नाम की कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं मेरे नाम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं मेरा नाम नहीं है उनकी जिंदगी में तो वो लोग जीरो है शून्य शून्य है तुन्या। हुँ, हुँ, हुँ. ये आपका और आदिल का मामला थोड़ा एक बीच में ठंडा पड़ा था लेकिन जब से आदिल ने शादी की है वा, वापस ही मामला एकदम गर्म हो गया है और आदिल फिर से वो इल्जाम लगाना कि राखी कौन है इंडस्ट्री में कितने साल से मैं लेटेस्ट एक इंटरव्यू देख रही थी जहां पे वो इतने सालों से है राखी कभी लीड रोल किया है क्या एंड एवरीथिंग मतलब जो भी आपके बारे में बातें चल रही हैं आदिल अब और भी ज्यादा बोल रहे हैं आप क्या कहेंगे क्या आपने वो इंटरव्यू देखा Uh, मुझे नहीं पता है उस इंटरव्यू के बारे में आई डोंट नो आई मैं उसके कोई इंटरव्यू नहीं uh, देखती हूँ क्योंकि झूठ और सिर्फ झूठ बोलता है रमजान के महीने में खुदा ने कहा है कि बंदे का रोजा नहीं लगेगा कि आप झूठ बोलोगे तो हुँ. वो कितने भी रोजे कर ले उसका एक भी रोजा खुदा की तरफ नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो कहीं हर जगह झूठ ही बोलता है हुँ. हुँ. बहुत सारे बंदों को सौ दस सबको शादी करने का अधिकार है जी करे जो करना है करे लेकिन वहां पे भी शादी करके मेरा नाम क्यों यूज करते हो क्या आ, वो ऐसी थी तो मैंने ऐसी लड़की से शादी करी वो वैसी थी उसने ऐसा किया अब मुझे अच्छी मिली स्टार्टिंग का सब कुछ अच्छा लगता है हुँ, हुँ. ये जो आदिल है तीन चार महीने से भी ज्यादा किसी लड़की के साथ रह नहीं सकता इसको चेंजेस की आदत है साथ मैंने मेरी शादी में हुए कुछ एक वीडियो देख के खाना बना रहा है शूट है उसे कभी खाना बनाना नहीं आता वो सिर्फ यूट्यूब के वीडियो के लिए सब नौटंकी कर रहा है अपनी इमेज को धोने की कोशिश कर रहा है हर इंसान करता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं इमेज धोने की कोशिश करनी भी चाहिए क्योंकि उसपे इतने दाग लगे हैं उन्होंने लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है कितनी लड़कियां एक मैं ची खुदा ने अः मुझे चुना खुदा ने उसका भंडा फोड़ने के लिए दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश करने के लिए उसको जेल भेजने के लिए खुदा ने मुझे चुना और वो ईरानी लड़की जो है ईरान से जो पांच साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको शादी करके रखा था उसको उसका पांच साल से उसको क्या बोलू मैं कर रहा था वो बेचारी लड़की जाके उसको करके मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं जो वो कर रहा है वीडियो बना रहा है कि मैं वो वायरल तो नहीं कर सकती हूँ है ना वो गुनाह है जी, लेकिन वो सारे वो करते हुए करते हुए वो वीडियो है जो उस लड़की ने उसी के फोन से निकाल कर पुलिस को दिए और मैसूर पुलिस ने उसको छह महीने जेल में डाल दिया क्या आप एक मुस्लिम होकर मुस्लिम लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं आप उसको गर्लफ्रेंड बनाते हैं आप उसको मानती हूं कि वो उसका आ, उसको आ, 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 वो सुसाइड करने जा रही थी कुछ प्रॉब्लम था तो इसने उसको बोला कि चल मैं तेरे कॉलेज की फीस भर दूंगा hmm. कॉलेज hmm. की फीस भरने के चक्कर में उसका करता रहा और वो लड़के ने कहा मुझे जाने दो ईरान जाने दो तो तेरे मुंह पे एसिड फेंकवा दूंगा वहां के मैसूर के लड़कों को बोला कि इसका हाफ मर्डर कर दो उसको मार डालो सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजू मैं आपको भेजू क्या आप दिखा सकती हैं मेरे पास सारी लड़की वो उस लड़की ने ईरानी लड़की ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी वही रिकॉर्डिंग उसने पुलिस को भी दी है तो इसको छह महीने की जेल हुई जी, और नुँ, ये नुँ, नुँ, बनने की कोशिश कर रहा है चेतना की कोशिश कर रहा है जो कि है नहीं यह सारी चीज अगर मुझे फैला होती पहले पता होती चेतना खुदा की कसम मेरी मरी हुई माँ की कसम इस आदमी से शादी नहीं करती ना मेरे पैसे लूटे जाते ना मेरी माँ मरती कोई भी औरत एक ऐसे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए जो जो औरतों का इस्तेमाल करता है उसके जिंदगी से खेलता है हुँ, हुँ. या फिर उसको लूटता है मैंने उससे शादी करी उस पर उस पर विश्वास किया मैं हुँ. रोज कहती थी चलो हमारी शादी तुम्हारी फैमिली में बताओ 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 हुँ. उसने जो प्रेशर करती तो उसने फैमिली में, में बताया तो उसके डैडी ने मेरे से बीस लाख रुपए लिए ठीक है हम तुमको बहु मानेंगे मुझे बीस लाख रुपया दे दो मैंने बीस से भी ज्यादा दे दिया उसकी माँ ने बोला मुझे जेवर दे दो मैंने जेवर दे दिए अगर तुम मेरी बहन की शादी करा देती हो तो वो तुझे अपना लेंगे मैंने उसकी बहन को जेवर दिए उसकी बहन की शादी चार बार टूटी जी अभी पता नहीं किसी को पकड़ के मैं क्या बोलू एक लड़की की शादी हो गई है कितना भी बड़ा मेरा दुश्मन हो लेकिन उसके बारे में मैं नहीं बताऊं कि क्यों शादियां टूटी क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ कहीं ना कहीं अगर उसका पति ये इंटरव्यू देखे तो मैं नहीं चाहती हूं कि उसकी शादी वो कितने भी मेरे दुश्मन मेरे साथ बुरा किया मैं उनका जी, बुरा नहीं चाहती आप समझ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सबने मेरा बुरा किया मेरे से पैसे भी लिए और मुझे अपनाया भी नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म से आती थी मैंने इस्लाम कबूल किया आप समझ सकते हैं कि हिंदू लड़की को इस्लाम करना कबूल करना इतना दिक्कत का काम है पूरा सनातन धर्म से दूर जाकर हुँ, हुँ, मुझे हर जगह से गालियां मिली लेकिन मैंने प्यार के लिए इस लड़के के लिए इस लड़के ने मेरी कदर नहीं करी जो बलिदान मैंने दिए इसने कदर नहीं करी हमेशा बोलता था कि हमारे इस्लाम में है कि अगर औरत पति के चरणों में नहीं रहेगी तो जन्म जाएगी उसे पैसा नहीं देगी तो जन्म जाएगी अगर उसकी बात नहीं मानेगी उसने मुझे क्या क्या नहीं करवाया है मेरा रमजान के महीने में मुझे मैं रोजे में हू तो मैं क्या बोलू कि उसने मुझे क्या क्या नहीं करवाया है गंदी चीजों से। इसका बस चलता ये मुझे नहीं बनाता बेच देता सब आदमी के पास देता उसके पैसे लेता ये मुझे दुबई लेकर आया चार पांच आदमी हो मैं आज बोलना नहीं चाहती रमजान में उसको मिल उससे पैसा ला इसको मिल उससे पैसा ला वो नदीम भाई जो है मैसूर के मैंने उसको भाई बोला मैंने भाई ये मुझे बोलता है यहाँ पे नदीम भाई भी बोला हाँ मेरे को बोला के इसको लेके जाओ ये शादी किया बड़ी बकवास लड़की है हुँ, मैंने शादी किया भाई इसको एक रात लेके जाओ मेरे को पैसा दो हु? मेरे पास वीडियो है ऑडियो है ये बियर बारो में गया मेरे सारे पैसे कमाए हुए इसने लुटा दिए मैं आपको सब दूंगी जब ये लोग बातें कर रहे थे ना तो मैंने उसको बोला शर्म नहीं आती तूने मेरे पैसे भी में लुटा दिए नदीम भाई के पैसे इसने लूट लिए नदीम भाई को कार बेची लेकिन पैसा इसने क्या किया एक कार जो है दस दस बार बेचता है मेरे पास सारे वीडियो दुबई में सब आदमियों के पास ये मुझे बेचना चाह इसने, मैंने कभी जबान नहीं खोली मैंने नहीं। बोला यार मैं प्रभु में हूं यार मैंने जिंदगी में मैं मेहनत ही करी है यार मैंने हाजिल मैं आपकी बीवी हूं आप ये क्या कर रहे हो जब मैं उसकी बातें नहीं मानी तो इसने नंगे नंगे वीडियो बनाया मैं आपको बताऊंगी मेरे नंगे वीडियो मेरे पास है मैं वायरल नहीं कर सकती लेकिन आप उसमें ब्लर लगाओ और दिखाओ नहीं। नहीं। आज मैं जब मुझे इसने इतना नंगा कर दिया है समाज में झूठ बोल बोल कर झूठ बोल बोल कर मेरे देश की जनता को इसने इतना गंदा झूठ बोला है मैंने मेरे परिवार के लिए बीस बाईस साल इतनी मेहनत करी है बॉलीवुड में जी, लेकिन एक गलत आदमी के साथ शादी करके इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया उसको दूसरी शादी सोमी से करनी थी तो मुबारकबाद में दे देती आप लोग खुश रहते अपना जोड़ा खुश रखते हालांकि उसने मुझे तलाक नहीं दिया है कोर्ट मैरिज मैंने किया उसने मुझे डाइवोर्स भी नहीं दिया ना तीन तलाक दिया है फिर भी मैं दुबई में अपना चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी जी लेकिन फिर भी मीडिया में साधु करने के बाद भी मीडिया में जाने के बाद भी इसने जहर उगला मेरे लिए गालिया मेरे लिए गलत बोला जब तक ये मेरे बारे में बुरा नहीं बोलता मीडिया इसको नहीं छापती ये मेरे नाम की मेरे नाम से इसको सिर्फ मेरा नाम चाहिए मैं हटूंगी तो सोमी का नाम चाहिए सोमी हटेगी कि तो और किसी बॉलीवुड की स्टार को पकड़ लेगा हम्म mm. इसने मुझे सलमान खान जैकलिन सबसे मिलाने के लिए इतना टॉर्चर किया है। मुझे इसने सिगरेट के तक दिए बॉडी में मैंने इसको जैकलिन से मिलाया फोटो भी है मैं आपको देती हूं जी मैंने इसको कौन से कौन से स्टार से नहीं मिलाया मेरा खुदा जानता है उसने क्या टॉर्चर मुझे किया है मैं मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है लोगों को दिखाने के हम्म अभी तो मुझे तो ये मतलब लगता है कि इतने केसेस हैं रेप केस छह महीना जेल में रहे उसके ऊपर चेतना जी उसके ऊपर बाईस पच्चीस केसेस है हम्म चेतना जी अभी चार महीने से मैं यहां बैठी उसने मेरे पे एक केस किया है कौन सा पता है जो कि छह सात साल पहले उसका एक न्यूड नंगा वीडियो वायरल हुआ था जो वो अपनी एज दिखा रहा है लड़कों को जब मेरी शादी भी उसके साथ नहीं हुई थी तो कुछ लोगों ने वो वीडियो मुझे भेजा आ, कुछ भेजा था और शादी के बाद मैंने देखा तो मैंने बोला यार मैंने कहा आदिल तू तो लड़कों के साथ भी करता है भाई मुझे लड़कों ने रूम बुक कर मतलब मैसूर में इसी के एक बड़े भाई उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी हुँ, हुँ. उनके साथ उनके साथ होटलों में सारे वीडियो है सारे चैटिंग मेरे मोबाइल में मैं आपको सब कुछ भेजती हूँ मैसूर का बंद, बंदे है उनको ब्लैकमेल ये करता था पैसे लूटता था दो दो तीन तीन करोड़ ये हुँ. जाता है गुप्रो कैमरा रखता है करता है और फिर उनकी बीवियां बच्चे हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी उनको बदनाम नहीं करना चाहूंगी मैसूर के लोग हैं वो जानेंगे ये इंटरव्यू मैं देखेंगे तो जानेंगे उनके वीडियोस बनाए हैं इसने ये छुपा के वीडियोस रखता है करता है ये ये आदि जो है फिर वो वीडियो बना लेता है अरे बीवी को नहीं छोड़ा तो दूसरों को क्या छोड़ता है फिर सारी जिंदगी ब्लैकमेल करता है मुंबई की जज मैसूर के जज क्या कानून क्या पागल है जो इसको सात आठ महीने बाईस दिन इधर और छह महीने आठ सात महीने उधर ये सात आठ महीने जेल में रहा है और देश की जनता को बोलता है झूठे केस में मुझे डाला है राखी ने ये ईरानी लड़की का नाम नहीं लेता है क्योंकि ईरानी एम्बेसी ने इसको जेल में डाला है ये ईरानी लड़की का नाम नहीं लेगा क्योंकि उसका वो उसको फिर से जेल हो जाएगी वो लड़की स्टार नहीं है मैं स्टार हूं बॉलीवुड से हूं इसको पब्लिसिटी मेरा नाम लेने से मिलती है जी, मेरे जी. नाम से पब्लिसिटी खाता है तो मैं कहती हूँ खा ले आज मैंने देखा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है क्योंकि मैं रोज रो रो के नमाज पढ़ती हूं बाइबल पढ़ती हूं कुरान पढ़ती हूं मैं खुदा को कहती हूं न्याय चाहिए मुझे तू मेरा वकील है खुदा क्योंकि इसने मेरा जो वकील था का, उसको इसने कार दे दी मेरे जाने के अच्छा। कुरान मिल मिल पे हाथ रख के कसम खिलवाई कि तुम राखी का रहोगे राखी के वकील लेकिन तुम उसको न्याय नहीं दिलाओगे तो उसने मुझे चार महीने से पांच महीने से दुबई रखा और उसने मेरी बेल नहीं होने दी तो उसने इसने मेरा इंस्टाग्राम हैक किया हम्म हैक करके इसने बहुत बड़ा प्लानिंग से क्या किया आप ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो जिस दिन मैं मक्का मदीना जा रही थी उस दिन मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था जी 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 मुझे याद है इंस्टाग्राम के सारे वीडियो इसके पास आए थे कैसे आए आप बताओ याद मेरे पर्सनल वीडियो अंदर से कैसे आए मैं जनता से पूछना चाहती है इसने हैक किया और इसने वो नंगा वीडियो जो आज दिखा रहा है लड़कों के साथ कर रहा है वो मेरे इंस्टा पे डाला प्लानिंग से मुझे मुझे फंसाया जो उसका सात साल का वीडियो था नंगा जो वहां के लड़कों ने मैसूर वालों ने वायरल किया था उसने मेरे पे इल्जाम लगाकर मेरे इंस्टाग्राम में जाकर पूरी प्लानिंग से उसने फिर वो केस मेरे पे किया पुलिस कानून के रखवालों को इसने पैसे खिला खिला के, खिला खिला के के मेरी बेल कैंसिल करवाता गया हर टाइम mm. मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा मीडिया में जाके बोलता है जैसे एयरपोर्ट पे आएगी पकड़ी जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं हम्म mm. उसके बाद तो मैं चार बार इंडिया आई कुछ नहीं हुआ मेरा आज भी आपका बेल कैंसिल हुआ अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोर्ट में मुंबई मुंबईन हाँ मेरे पैसे जो साढ़े तीन करोड़ लिए हैं ये आपको बेचती हूँ ये तो गलत नहीं है ना ये नहीं। मेरे ही पैसे कानून के रखवालों को एडवोकेटों को देता है मेरे ही एडवोकेटों को चरणों में गिर के मेरे भी एडवोकेट कैसे ये इन्होंने जब ये शपथ खाते हैं एडवोकेट बनने के लिए के हम सच का साथ देंगे जब वो मेरा एडवोकेट था तो वो उसके तरफ हो गया क्यों क्योंकि क्यों मैं भी तो मुसलमान हूं मैं भी तो गई थी काबा शरीफ तो क्या हुआ कि मैं हिंदू से बनी थी तो क्या हुआ कि मैं जीसस क्राइस्ट को भी मानती हूं मैं कहती हूं वो मुसलमान मुसलमान ही नहीं जो नबी जीसस क्राइस्ट को ईसा को ना माने तो क्या मैं ईसा सलाम को मानती हूं कि मैं मैं बाइबल पढ़ती हूं तो क्या मैं क्रिश्चियन हो गई मैं सिर्फ मैं किसी रिलीजन में नहीं जाती हूं मैं सिर्फ खुदा की बंदी हूं hmm. मैं नमाज भी पढ़ती हूं मैं बाइबल भी पढ़ती हूं मेरे रिलीजन पे क्यों जाते हैं आप वो तो हर इंसान के मरने के बाद पता चलेगा क्या आपको खुदा अपनाता है कि नहीं मैं रोज hmm. रोती हूं रोज खुदा के पास कहती हूँ कि र... मेरा गुनहगार आदिल खान दुर्रानी है खुदा रमजान में मैं चुपचाप बैठूंगी लेकिन आप मेरे खुदा आप मेरे एडवोकेट मैं आपको उसको देती हूँ आज उसके रेड़ की हड्डी टूट गई है कल उसके घुटने टूटेंगे उसने जा जा के लोगों को बोला कि इसका यूट्रस नहीं है पेट में मुझे बेइज्जत होकर डॉक्टर के पास जागना पड़ा कि के, के डॉक्टर क्या मेरा यूट्रस है क्या नहीं क्या आप मुझे बताएंगे लोगों को बिचारी डॉक्टर ने आके बोला ऐसे तो कोई बात नहीं मुझे आज मुझे रोज कंटिन्यू पीरियड आते हैं मेरा है इसने मुझे हर हद तक बदनाम किया मेरी पांच शादियां होगी इसकी दस शादियां तो इसकी हो गई है जो मेरे पास सारे सर्टिफिकेट है उन लड़कियों को नंगा किया इसने नंगे वीडियो बनाए कि जिस दिन मेरे खिलाफ बोलोगी तेजा फेंकवाऊंगा तुम्हारे पति को तुम्हारे नंगे वीडियो दूंगा और YouTube में मैं तो नहीं डालूंगा मेरे बंदे लोग YouTube YouTube में तुम्हारे वीडियो, वीडियो डाल देंगे ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास मुंह दिखाने के लायक रहेंगे ना तुम्हारे पति वो लड़कियां शहरों में भाग गई है शरीफ घर की लड़कियां ये मैं देख रही हूँ कि चैट बहुत रिविल्स हो रहे हैं मतलब शादी कर ली दूसरी उसके बाद भी आपसे टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार तो ये क्या है वो मतलब तो इतना मैंने जनरल में देखा झूठ बोल रहा है क्या डेढ़ साल पहले अभी पांच छह दिन पहले ही उसने गंदे गंदे वीडियो और अभी चार दिन पहले भी मुझे फोन करता है न्यूज में मेरे खिलाफ बोलता है और उसको रात भर नींद नहीं आती क्योंकि उसका जमीर उसको पता है कि वो झूठा है वो गलत है वो सो पाता दूसरी शादी करके भी उसे उसे उसको उदास सोने नहीं देता उसे कहता है कि तूने एक शरीफ लड़की को बर्बाद किया क्योंकि 22 साल से सा लड़की स्ट्रगल कर करके अपने माँ बाप के लिए भाई बहनों के लिए मेहनत करके आई थोड़ा सा पूंजी पैसा जमा किया तूने उस लड़की का पैसा खा गया उस लड़की को शादी करके झूठ बोलता है काबा शरीफ गई रील बनाया कौन सा वर्ल्ड का बंदा है नहीं है जो काबा शरीफ जाके रिल्स नहीं बनाता है चाहे गोहर खान हो चाहे सना खान हो चाहे हिना खान हो चाहे कोई भी खान हो कोई भी एक्टर हो आमिर खान हो कोई भी एक्टर हो काबा शरीफ जाते तो हर कोई वीडियो बनाता, लेकिन इसने मुस्लिम लोगों को भड़काया मेरे खिलाफ मैंने रो रो के वीडियो डाले लोगों को बताया कि मैं काबा शरीफ के कसम खाती जो भी मेरे साथ हुआ एक एक चीजें सही हुई और मैं झूठ नहीं बोलती इसने क्योंकि ये पैदा इसी मुसलमान था मैं नहीं थी तो इसने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए झूठे झूठे शैतान ने इसका साथ दिया शैतान ने उन लोगों का भी साथ दिया पांच उंगलियां नहीं है सही इसलिए आधी जनता ने मेरा साथ दिया आधी जनता उसकी तरफ रही और मुझे गालियां दी ये राष्ट्रीय और शलीन का क्या है अभी जो मैंने देखा आ, आपके और मैं बताऊं और और अभी मैं बताऊं वो रोज फोन करता है मुझे वो सोनी पाता है मुझे किसिस देता है मुझे प्यार करता है कहता मुझे सुला दे ये सो नहीं पाता वो सोमी की बुराई करता है मुझे मुझे क्या बोल मैं बोलते बोलते उसमें बास आती है उसके मुंह से बास आती है उसके प्रेरणा से बास आती है मुझे 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 ऐसा बोलता है शर्म आती है मुझे कहते बोलते हैं, मैं बताइए आप सुनो ऑडियो सुनो मैं आपको बेचती हूँ तो मैंने कहा जो है तेरे पास उससे उस, बोलता है वो तो बाजू में सोई है बोलता है साफ साफ बोल रहा है मेरे उसके बाजू में सोई है मुझे हक कर मुझे किस कर मैंने कहा मुझे डायवोर्स दे कहता मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा जिस दिन तू मरेगी बोलते मैं ऐसा कर दूंगा कि तू सुसाइड करेगी मैं तुझे इतना बदनाम करूंगा ना तेरी दूसरी शादी होगी तू सुसाइड कर लेगी और तेरी प्रॉपर्टी मैं सब ले लूंगा खुलेआम कह रहा है और मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया हम हम और मैंने अपने प्रॉपर्टी की विल पूरी चेंज कर दी हम इसलिए ये मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाह रहा और मैं पूछना चाहती हूं कौन से कोर्ट से इसको इजाजत मिली है कि ये दूसरी शादी कर सके हम हम हु मैं मानती हूं कि सिर्फ निकाह किया होता ना चेतना हुँ, हुँ. तो ये दूसरी शादी कर सकता था लेकिन इसने कंडेम ऑफ कोर्ट किया है मैं 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 ये मैं बहुत सारे अभी इसके मेरे साथ केस मैं और डाल रही हूँ चेक के केस साढ़े तीन करोड़ के जो सारे चेक बाउंस हो गए जी इसने मेरी इजाजत के बगैर शादी करी मुझे डाइवोर्स दिए बगैर शादी करी इंडियन पैनल पैनल कोर्ट से हम्म मुझे मुझे मेंटली टॉर्चर मेरे यूटरस के बारे में बात मानहानि का हर चीज साइबर क्राइम में भी गया है जो मैंने सारे वीडियोस भेजे हैं इसने स्नैपचैट से सबको वायरल किया हुँ. मैं तो कहती हूँ तो अगर तू तो खुदा का बंदा है अगर तू तो मुसलमान है अगर एक बाप की औलाद है तू तो साले दस बाप की औलाद है एक बाप की है, मेरे तुझे छोड़कर मेरे चार हस्बैंडों को लेकर आ, तेरा चप्पल और मेरा मुंह मैं पूरी दुनिया को बोलूंगी कि ये मेरा हस्बैंड है लेकर आ, शादी हो गई तो शांत हो जाना तो चाहिए जिनके साथ रियलिटी शोज किए हैं मैंने या जिनके मैंने तो स्वयंवर किया है जी तो उनको लेकर आएगा स्वयंवर तो रियलिटी शोज का जी 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 तो रितेश को लेके आएगा रितेश तो रियलिटी शो था तो किसको लाएगा हम्म अगर मेरी किसी से शादी हुई तो सिर्फ आदिल खान दुरानी से हुई है जी जी और तो मेरी किसी से शादी नहीं हुई सर्टिफिकेट भी हमने उन्हीं का देखा हुआ है जो आपने कोर्ट का भी है तलाक का भी और इन दोनों को जेल भिजवाऊंगी मैं क्योंकि सोमी को पहले पता होना चाहिए था पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि इससे मेरी शादी है सोमी को पहले पता करना चाहिए था मेरी उससे कोई शिकायत नहीं है सोमी से वो तो बिचारी बिचारी है भीचारी उसको क्या मालूम क्योंकि ये लॉलीपॉप देने में बहुत उस्ताद है जी आ, वो वो हिटलर को भी लॉलीपॉप दे देगा उसने उससे छुड़ बोल के मुझसे शादी करी है सोमी के घर वालों को पता होना चाहिए कि पहले मेरे डायवोर्स का लेटर लेना चाहिए था तो मैं दोनों पे सू कर सकती हूँ और बहुत जल्दी होगा आई मीन शादी हो गई अब आपस में खुश रहे आपका नाम लेने की क्या जरूरत है मेन बात आपस में खुश रहे ना हो गई कर लिया अब नाम आप... क्यों लेते हैं जहां जाते हैं मेरा नाम लेते हैं जहां जाते क्योंकि इनका नाम नहीं, नहीं है मेरे बगैर चेतना जी इनका गुजारा ही नहीं है इनको कोई अपेगा ही नहीं मेरे बगैर आपका मेंटल स्टेटस कैसा है राखी आप दुबई में चार महीने से हैं लगातार और मतलब कोई पास में रहता है तो चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर से इतना स्ट्रगल इतना रूमर इतनी अपने बारे में सुनना इतना नेगेटिविटी अपने बारे में सुनना क्या आपका हेल्थ क्या कहता है, बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसने तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा अपने माँ बाप के जेवर बिकवा के इसने पैसे ले लिए माँ रोज कहती है इसकी माँ कहती है मेरे पैसे दे पैसे दे पैसे दे इसकी माँ के ऑडियो इसकी आंटी के ऑडियो मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं सबूत रखती हूं देश की जनता के लिए ये एक भी शब्द झूठ नहीं बोल सकता इसने तो मुझे खुर्ग में लेकर गया इसने तो मुझे पहाड़ में से फेंकने की कोशिश की मैं मर जाऊं मेरी प्रॉपर्टी ले ले इसने इसके माँ बाप ने और इसने सबने लोग ने मिलके के खुर्ग में लेकर गया मैं डर के मारे भागी खुदा मुझे बचाओ मैंने अपनी दूसरी टैक्सी टैक्सी बुलाई और भागी मैं वहां से रिलेशन में थी ये लोग सब मिलके मुझे मार देना चाहते थे क्योंकि इनको दहेज बहुत कम मिला ना इनके मां बाप को मेरे पास जितना था इस, इसने तीन साढ़े तीन करोड़ देखिए किसका साइन है किसकी किस बैंक है किसका एफिडेविट है कितने सारे कैश जेवर इनके मां बाप को पैसे मैंने दिए राखी सावंत एक ऐसा नाम ना कि लोग होते हैं और जो भी आपने काम किया है काफी अच्छा है चाहे आपके आइटम नंबर अगर आइटम आप देखिए तो ना तो राखी सावंत फिल्म रही है जो लोग तरसते हैं जी बिल्कुल दिल बोले हड़िप्पा ये कहता है मैंने क्या काम किया है तो उसको आप जरा बता दो मेरी जनता ही उसको बताएगी कि मैंने क्या काम किया है बिग बॉस का फेस हूं मैं बिल्कुल बिल्कुल आपका मोहब्बत है मिर्ची या फिर या ये गाने आज भी चलते हैं तो राखी सावंत का ही चेहरा दिखता है टुक टुक देखे प्रिय दर्शन की फिल्में आ, मैंने किए मैंने यटराज फिल्में किए मैंने शाहरुख खान की फिल्म की है मैंने प्रिय दर्शन की फिल्म की है, मैंने कलर्स पे इतने रियलिटी शोज किए ये सिर्फ मेरा नाम लेके यूज करके इसको बिग बॉस जाना है या फिर सारे रियलिटी शो में जाना है और मैसूर लोगों मैसूर के लोगों को मुंबई के लोगों को देश की जनता को इसको लूटना है कि देखो एक कार ये दस बार बेचता है मेरे लगी... नदीम भाई जो बैंगलोर से है उसको एक कार जो कितने चार कार बेची है और उसको बदनाम किया है और वो कार भी उनको नहीं दी और कार के पैसे लेके भाग गया ये बहुत जल्दी वो उनको उनपे केस करेंगे हम्म हम्म भाई आ, जो है बैंगलोर के उन्होंने बताया ये लोग दोनों साथ में मिले थे मैंने सब रिकॉर्डिंग कर ली हम्म आप इंडिया कब आ रही है मुंबई कब आ रही है आप इंडिया में तो आती रहती है लेकिन मुंबई कब आ रही है दो चार दिन में इंशाला मेरा हो जाएगा बेल तो ये अभी लोगों को मैं आपको जो लोगो को भड़का रहा ना ये हिंदू है ना मुस्लिम है ना क्रिश्चन है हाँ मैं कुछ भी नहीं हूं मैं सिर्फ एक इंसान हूं और एक आसमानी खुदा से प्यार करती हूँ और एक सच्ची लड़की हूँ तेरी तरह गद्दार झूठी वैश्वी दरिंदी नहीं हूं लोग इंतजार कर रहे हैं और जो रूमर्स जो बात कर रहे हैं कि राखी सावंत बेल नहीं मिल रही है और अरेस्ट होने के डर से वो इंडिया नहीं ये बहुत नहीं पैसा नहीं। कानून के रखवालों को ये बहुत पैसा खिला रहा है कोई मैं तो यहाँ पे आजादी से बैठी हूँ मैं तो चार पांच बार इंडिया गई भी और आ भी गई ऐसा कुछ भी नहीं है पुलिस ने ये भी बोला गया अगर आप आ जाओ कोई बात नहीं है मैं जाके इंटरव्यू भी देख कर आ गई अच्छा हाँ हाँ पुलिस स्टेशन में अच्छा। क्योंकि इतने झूठा झूठा केस ये छह महीने सात महीने आठ महीने अंदर जेल में रहा ना, ना। तो इसको वहां पे अंदर कैदियों ने इसने को मेरे को फोन मेरे पास रिकॉर्डिंग है कहता है कि मेरा बहुत मुझे मार मतलब अंदर आप क्या बोलू इसके साथ बहुत किया अच्छा ओके मतलब ये सबको देता है ना इसको बहुत शौक है ना इसके वीडियो वायरल है देखो यूट्यूब में जाके तो बस अंदर जेल में बहुत किया मुझे मेरा दुख रहा है जेल से बहुत कॉल किया मुझे बचा ले राखी मैं ईरानी को छोड़ दूंगा मैं अल्लाह की कसम किसी लड़की के पास नहीं जाऊंगा यू नो बट मुझे ये गद्दार वन सब क्रिमिनल ऑलवेज द क्रिमिनल बाहर आके उसने बहुत गंदगी की मेरे साथ हम्म हम्म और राष्ट्रीय को बोलता है कि मैं तो Uh, उसको uh, इसीलिए मैं जेल से छुड़ाने के लिए बोल रहा था कि इसकी मैं जिंदगी में बैंड बजा सकूं रे मुझे छुड़ाए और इसकी जिंदगी में जाके इसको मैं पंखे से दूं ये ओ। सुसाइड कर ले और uh, मरने के बाद एक नोट छोड़ दे हाथ में और उसके हाथों के प्रिंट भी ना रहे और लोगों को पता चले कि राखी मर गई खुद सुसाइड कर लिया और ये मेरी प्रॉपर्टी ले ली क्या अच्छा अच्छी प्लानिंग है। तो पक्का नहीं है झाखो राखे साइया मार सके ना कोई सही बात है नहीं आपकी विल पावर भी काफी स्ट्रांग है और होनी भी चाहिए कोई भी ऐसा कभी कदम नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं मुझे तो पूरा नहीं। मारने की कोशिश की। मेरी माँ ने मेरी माँ की आत्मा ने खुदा ने मुझे बचा लिया मैं तो आज भी कहती हूं जाके खुश रहे अपनी बीवी दो दस बीविया करे मेरा नाम क्यों लेता है मुझे क्यों फोन करता है आज भी दो मिस कॉल है उसको हर जगह से ब्लॉक करती हूँ फिर भी अलग अलग नंबर से कॉल करता है क्या कोई सेटलमेंट कर ले सेटलमेंट कर ले सेटलमेंट कर ले तो अब तो शादी कर ली दूसरी अब क्या सेटलमेंट करना शादी नहीं की होती तब ना ऑप्शन रहता उसको मुझे डाइवोर्स ही नहीं देना है सुमी को पता चलेगा ना सुमी को उसने पटाके रखा है जैसे सुमी को पटाखे रखा है ना वैसा मुझे छिड़े मैंने पटाके रखा था मैंने बोला मुझे मीडिया को बताना है मेरी शादी हो गई है बल्कि नहीं मेरी बहन की शादी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी mm -hmm. मेरी माँ सुसाइड कर लेगी मेरा बाप सुसाइड कर लेगा मेरी बहन की शादी नहीं होगी तो मैं तरस करके मैं चुपचाप बैठती अब मुझे नहीं मालूम कि ये सुमी को क्या पपलू दे रहा है लॉलीपॉप दे रहा है mm -hmm. वो मुझे देना ही नहीं चाह रहा ब्लॉग वगैरह बनाए जा रहे हैं डेली तो वो करे उसको बॉलीवुड में रहना है मेरे नाम से उसको मेरा बॉलीवुड मेरा खुदा सच्चा है मेरा बॉलीवुड उसको कहीं खड़ा नहीं करेगा क्योंकि मैं बचपन से बॉलीवुड में हूं मैंने बहुत स्ट्रगल किया बहुत मेहनत करी है मैंने तब जी जाके मैंने मेरे घर का मेरे भाई बहनों का मेरी माँ का खर्चा उठाकर अपनी जिंदगी ना देखकर मैंने मेहनत करी है और मेरी जिंदगी को मारकर मुझे मारकर मेरी छाती पे पैर रखकर ही आगे बढ़ जाना चाह रहा है हम्म 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 कोई नहीं राखी मैं तो यही कहूंगी स्ट्रांग बने रहिए और... को भी यूज किया इसने इसने राष्ट्रीय को भी यूज किया शर्लिन चोपड़ा को भी यूज किया आप देखिए चैट में उन दोनों को कितनी गालियां दे रहा है कहता है कि मैं राष्ट्रीय के साथ किया बोलता है शादी किया लेकिन ये समझ में नहीं आता है सब कुछ जानते हुए एक बार इन लोगों ने छोड़ भी दिया था फिर भी राष्ट्रीय आदिल की तारीफ करती रहती है शर्लिन चैल्ली दोनों गए देखो आप देखो मेरे को फोटो भेजा के शिज माई लव ओनली लव जिसका डायलॉग है दिखाइए पब्लिक को ओनली माय लव स्टे अवे फ्रॉम मी एंड हर राष्ट्रीय ने उसको राखी बांधी थी भाई ये क्या है हिंदुस्तान है ये क्या है अरे mm. लाने थे तुम लोगों पर तुम राखी बांधते हो और अवैध संबंध रखते हो कीड़े पड़ेंगे तुमको mm. चार्लिन चोपड़ा ने राखी बांधी फिर भी उसके साथ अवैध संबंध रखे अरे कीड़े पड़ेंगे तुमको भाई बहन के रिश्ते को को बदनाम करते हो भाई चलो मैं चोपड़ा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो वो इंडियन नहीं ईरानी है हम्म चलता है भाई बहन के रिश्तों को कभी भी राखी बांधो और कभी भी सो जाओ हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलता भाई राष्ट्रीय को राष्ट्रीय ने उसको राखी बांधी थी फिर भी उसकी रूम में घुस के गंदगी की राष्ट्रीय ने मुझे बताया कि उसने दरवाजे में लात मार के उसको भगाया या उसके रूम में घुस गया मुझे कह रहा था कि मैंने क्या बोलू मुझे इतना गंदा बोला है राष्ट्र के बारे में mm. कि मैंने उसको इतना अच्छा लिया उस वो सब कुछ क्या बोलू मुझे नहीं बोलना है मैं नहीं चाहती हूँ mm. मैं उसके जितना नहीं गिर सकती उतना उसने उसको बहन भी बोला और उसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात किया नहीं नहीं ये सब बातें हमें जो हमारी कॉमन फ्रेंड है अलगुनी को मैंने सब भेजा कि देख कैसी बातें करता है ये मुझे कल उसने अपना पार्ट भेजा ने अपने फोटो भेजा मुझे तुझे चाहिए फिर से मतलब ये तो अजीब बात है कि आपने शादी कर ली है फिर भी आप किसी और के पीछे पड़े हो और बात बचा पड़े लो मैं कहती हूँ सोमी को अक्कल आए सोमी को बोलो के वो उसको उसको बोला ब्लॉग बनाना बंद करे उसको छोड़ देगा इंस्टाग्राम पे जाना बंद करे उसके साथ वो उसको छोड़ देगा मैं देती हूं। मैं गारंटी गारंटी देती देती उसको कोई अकेला छापता नहीं है सोमी के बहाने वो मीडिया में आना चाह रहा है अब मैं उसको नहीं छापती हूँ ना कोई नहीं कोई नहीं आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए आराम से रहिए दुबई में मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी जीती हूँ मैं बुम 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 करती हूँ टिकटॉक पर पैसे कमाती हूँ और यहाँ पे एकदम प्रॉपर्टी ली है दुबई में मैंने इतनी रहती हूँ एकदम क्वीन की तरह रहती हूँ एक कंपनी ने मुझे साइन किया है क्योंकि मेरे ह्यूमर बहुत बिकता है मेरा कॉमेडी बहुत बिकता है तो मेरे जो अभी सारे वीडियोस बन रहे हैं वो एक कंपनी ने मुझे साइन किया है अच्छा हाँ पहले तो मैं मीडिया में जो भी बोलती थी वायरल हो जाता अब मुझे कंपनी ने साइन कर लिया मुझे अच्छा पैसा देती है बहुत बढ़िया घर भी खरीदा है आपने दो तीन चार घर खरीद लिया मैंने दुबई में अरे वाह 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 चलिए कोई बात नहीं हम तो चाहेंगे आप ऐसे ही खुश रहिए आपकी वजह से इतने लोग खुश रहते हैं लाखों लोग खुश रहते हैं आपके वीडियोस देखकर आपका ह्यूमर देखकर आपका एंटरटेनिंग वीडियो देखकर तो आपका खुश होना तो बनता है मैं अरे मुझे इतना पता है कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं की मेरे साथ बुरा हुआ मैं हमेशा देश की जनता को ठीक ठीक के प्रूफ देती रही आदिल के खिलाफ सारे प्रूफ यूट्यूब पे है लड़कों के साथ है और उन लड़कियों के सारे वीडियो ऑडियो लड़की के साथ बुरा किया हमारे देश के कोट और कानून तो गलत नहीं हो सकता ना कानून के रखवालों को ये पैसे खिलाता है कि मुझे बेल ना हो हम्म हम्म मेरी बेल तो हो जाएगी वो मेरा कोच उखाड़ नहीं पाएगा जब तक मेरे साथ खुदा है और मैं सच्ची हूँ ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता वो धमकियां देता है जेल जेल में बंदे लोगों को कि उसके पास प्रॉपर्टी है उसको मैंने डायवोर्स नहीं दिया उसका उसको मार डालो उसकी आधी आधी प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा और आधी प्रॉपर्टी मैं ले लूंगा उसको पता नहीं कि मैंने तो अपनी विल चेंज कर दी है किसी को कौड़ी तक नहीं मिलेगी <laughs> बहुत अच्छी मेरे जनता सुन रहे हो कि वो कितना मेरी प्रॉपर्टी और पैसे के पीछे है मेरे नाम से जीता मेरे नाम से उठता बैठता है उसका अपना कुछ नहीं है वापस बिग बॉस आने वाला है ना इसीलिए मैंने उसको कुत्ते का बच्चा बोला है कि तू तो एक बाप की औलाद ही नहीं है भाई तू तो दस बाप की औलाद है उस तेरे अंदर रमजान में भी तू इतनी गंदगीया कर रहा है लास्ट रमजान में इसने मेरे साथ मुंह काला किया था और इमिडियटली मैं जाना नहीं करती इसलिए मैंने इसके इमिडियटली इससे शादी कर ली थी मैंने आपने मैं मैं भी बताया, थी। बताया था रमजान में कौन गुनाह करता है बताओ मैं तो मुसलमान नहीं थी ये तो था ना इसने छिया ये झूठ बोलता है इफ्तारी का नाटक ये झूठ बोलता है ये मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का नाटक इसको मैं पैर खींच के लात मार के इसको मैं नमाज पढ़वाती मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से आई हुई लड़की इसे हुँ, कोई अल्लाह से प्यार नहीं ये इसका झूठा ना, नाटक मैं गई मैं मैं सोचो मैं मक्का मदीना मैं गई मक्का मदीना ये पूरे खानदान इनका कभी नहीं गया था इनको शुक्र अदा करना चाहिए मेरे पैर धके पानी पीना चाहिए मेरे बाद इनको शर्म आई तब जाके इन्होंने भीख मांगा इन लोगों ने मुफ्ती भाई से उन लोगों ने इनके टिकटे बनाकर सोमी की सबके टिकटे बनाकर ये लोग मक्का मदीना गए क्या इनके गुनाह माफ हो जाए वहां पे भी माफ नहीं हुए वहां वापस आके इन्होंने गुनाह किए मैं तो चाहती हूं कि ये सारी जिंदगी बिचारी सोमी को दगा ना करे उसके साथ बुरा ना करे शादी मेरे भी साथ चुकी उसकी प्रॉपर्टी को ना छीन ले उसके उसके ना बिकवा दे उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना एक दिन ऐसा न्यूज आ जाएगा कि सोमी ने आत्महत्या कर ली और ये झूठा झूठा रोएगा बैठ के हालांकि मारा इसी ने होगा हम्म जी राखी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका आपका इसने इसने शर्लिन के, के साथ बुरा किया इसने राष्ट्रपति के साथ बुरा किया इसने राष्ट्र को कितनी गालियां दी है मेरे पास ऑडियो है इसने मेरे साथ बुरा किया इसने सबके साथ, साथ बुरा कर है ये अच्छा है झूठ का दुला देश की जनता को कब पता चलेगा ये मुसलमानों को भड़काता है हमारे खिलाफ हेलो मक्का मदीना मैं भी गई हूँ मैंने कुछ गुनाह नहीं किया होगा तभी तो वो काफिर को खुदा ने बुलाया होगा ना बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज खुदा ने मुझे अपनाया है तो तुम कोई नहीं होते मुझे सर्टिफिकेट देने वाले तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तुम गुनाह में जाओगी सही बात है भगवान उसी को बुलाते हैं जिसे वो चाहते हैं चाहे वो मंदिर हो मक्का हो कोई भी जगह हो जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है तब तक नहीं आसमानी खुदा तो एक ही है जी वही और और सारे नबी ईसा सलाम मूसा सलाम याकूब सलाम और यूसुफ सलाम अब्राहिम सलाम नोवा सलाम एलिया सलाम योना सलाम इसको तो इतिहास पूछो कुरान की कुछ चीज पता भी नहीं होगी मैं तो कितना पढ़ती हूँ मुझे न... गर्व है सनातन धर्म का कि मैं वहां से आई हुई लड़की कुरान पढ़ती हूँ नमाज पढ़ती हूँ बाइबल पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे जब मैं मेरी मौत हो जाएगी तो कोई मुझे गुनाह माफ करने नहीं आएगा सिर्फ वो एक खुदा होगा जी। तो इसीलिए पता नहीं कौन सा खुदा है जो मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे जन्नत देगा मैं सब खुदा को बटर लगाती हूँ इसमें बुरा क्या है मैं तो सारे खुदा को बटर लगाती हूँ मैं बुरा क्या है बिल्कुल बुरा नहीं है सब एक सब धर्म एक समान होता है और आसमान में जैसा कि हर आसान मिट्टी में मिल जाएगा कितना भी बेडरूम बेडरूम कितना भी अमीर हो जाओ दो गज जमीन चाहिए मिट्टी में मिलने के लिए सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है एंड ऑफ डे कबर में जाना है सजन आदिल झूठ मत बोल कल तेरे बच्चे होंगे तू क्या भुगतेगा तू देख चलिए धन्यवाद आप सबका you, राखी और आप प्लीज ध्यान रखिए अपना और मैं बहुत जल्द चाहती हूँ कि आप मुंबई आए और हम लोग सामने सामने मिले बहुत मिस कर रही हूँ मैं आप मुंबई आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरा मुंबई है मैं कभी भी आ सकती हूँ कल भी आ सकती हूँ बट अभी मेरा कोई काम नहीं है बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं